नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है यहां पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहां पे कैसा सीड से। रूपा जी, देख रहे हैं कि कैसा सीड का अक्टूबर वायदा आज भी 6110 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है और आधे फीसदी की तेजी है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कैसा सीड एक सीमित दायर में कारोबार कर रहा है, तो क्या एक से डेढ़ महीने के अंदर 6500 का लेवल दिखला पाएगा? देखिए, कैस्टर सीड जो है वो काफी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी नवंबर वायदा बिल्कुल लगता है कि ऊपर में 6500 तक जा सकता है। अक्टूबर वायदा में तो देखिए अभी फिलहाल एक्सपायरी के बेहद करीब है, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन हाँ, नवंबर वायदा में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6500 का स्तर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में 6240 से 6560 का स्तर 1-2 ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि देखने को मिल सकता है। जी, ये सर रूपा जी, देखने की चने का अक्टूबर वायदा 4800 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 2.3% की गिरावट के साथ। आपको क्या लगता है, हाजिर में तो MSP के बराबर ही प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन देखने की वायदा में आज नीचे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, चने में आगे कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? देखिए, चने में अभी फिलहाल अखिलेश गिरावट का ही रुझान है, जैसे कि अगले वायदा भी अभी क्लैरिटी नहीं है। और अभी आज आप देखिए 2.3% अक्टूबर वायदा जो कि एक्सपायरी है और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल चने के अंदर गिरावट का ही दौर है। और फेस्टिवल सीजन के चलते हाजिर में थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन तेजी बहुत कम देखने को मिल सकती है। 4800 पर बाजार आ चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है जी। ये सर रूपा जी, नज़र डालें अगर बिनौला खल की तरफ, तो बिनौला खल भी देख रहे हैं कि 2500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब जो बिनौला खल की जो सप्लाईज है वो टाइट रह सकती है और जो डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग निकल के सामने आ सकती है। रूपा जी, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है, बिनौला खल में क्या कीमतें देखने को मिल पाएंगी आगे जाकर? देखिए, जहाँ तक बिनौला खल की बात है, तो बिनौला खल के अंदर आगे तेजी का रुझान है। 2600 तक हम एक बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जा सकता है 2600 तक, और वहां पर बाजार के अंदर सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। तो 2600 के टारगेट के लिए इसमें बिनौला खल के अंदर फिलहाल खरीदारी करके चला जा सकता है जी। इस रूपा जी, बात करें अगर मसाला पैक की, तो देख रहे हैं कि जीरा 14600 के लेवल पर ठीक ठाक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन धनिया और हल्दी कल के मुकाबले थोड़े नरम है। खबर निकल के सामने आई है कि मसाले के जो निर्यात है उनमें सितंबर महीने में थोड़ी कमी देखने को मिली है पहले के मुकाबले। अब आपको क्या लगता है, क्या मसालों को त्योहारी सीजन का सपोर्ट रहेगा अगर एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी बहुत कम भी होती है तो? देखिए, बिल्कुल त्योहारी सीजन का सपोर्ट एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, और एक्सपोर्ट डिमांड भी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, कोई जीरे के अंदर छोड़ दें तो बाकी सभी मसालों के अंदर, बाजारों के अंदर डिमांड निकलती दिखाई दे रही है। धनिया में भी पीछे हमने अच्छी डिमांड निकलती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अभी एक्सपायरी के चक्कर में बाजारों के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है। और नवंबर वायदा मान के चलिए 8200 के आसपास सस्टेन हो सकता है, जब तक 8000 के ऊपर है। सेम एज इट इज़ हल्दी के अंदर भी नवंबर वायदा की बात करें तो 7200 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी इसको ऊपर 7500 तक ले जा सकती है। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा फिलहाल गिरावट बनते हुए दिखाई नहीं दे रही जी। ये सर रूपा जी, बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम में के अक्टूबर वायदा 11164 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 5% का ऊपरी सर्किट लग चुका है, और देख रहे हैं कि ग्वार सीड का अक्टूबर वायदा 6221 पर है 2.3% की तेजी के साथ। रूपा जी, आपके जो लेवल्स थे, जैसा कि आपने बताया था कि ग्वार गम में तेजी देखने को मिल पाएगी, आपने जो लेवल्स दिए थे कल के कारोबारी सत्र में, आज आपके वो लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से ग्वार में यहाँ पे तेजी बनी है, प्रोडक्शन कम रहने का भी अनुमान है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी ठीक ठाक है, तो यहाँ से अभी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी या फिर ये जो कीमतें हैं अभी और ऊपर में जाती हुई नजर आएंगी? देखिए, जो अक्टूबर वायदा है अखिलेश, वो 11164 पर कारोबार कर रहा है, जबकि नवंबर वायदा 11280, और आज जबरदस्त तेजी 5% की तेजी देखने को मिल रही है। सीड भी 6200 के ऊपर निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं, और 3% की तेजी जो है वो ग्वार सीड अक्टूबर वायदा में भी और नवंबर वायदा में दिखा रहा है। अब यहाँ से जो टारगेट की बात है, देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव है, लेकिन एक करेक्शन भी आ सकती है। जैसे हमने लगातार देखा कि 10000 के ऊपर बाजार टिक नहीं रहा था और गिर रहा था, वैसे ही अब 11000 के ऊपर अगर 1-2 ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग आ जाती है तो काफी पॉजिटिव मोमेंटम इसका चालू हो सकता है। और अभी हाल फिलहाल में अगर पकड़ के चले तो मुझे लगता है कि ऊपर में
ग्वार गम जो है वो 12,000 तक जा सकती है। वहीं सीट की बात करें तो जो 6,200 के ऊपर की अगर इसकी सस्टेनेबिलिटी रह जाती है तो ऊपर में आप मान के चलिए 6,500 तक सीट भी जा सकता है। तो 12,000 तक गम और सीट जो है वो 6,500 के स्तर अभी एक्सपेक्टेड है। गम अगर 12,000 के ऊपर निकल गया तो आपको कोई बड़ी बात नहीं कि 15,000 का भी स्तर देखने को मिले, क्योंकि अभी जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कारोबारी है वो एक ही दिशा में कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं, खरीदारी ही देखने को मिल रही है। जो निचले स्तर अगर गिरावट आती भी है तो वहां पर वापिस से हम बाइंग आते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि जब बाजार जो है 12,000 पर जाए तो वहां पर एकदम ह्यूज बाइंग जो है आपको देखने को मिलेगी फिर 15,000 के टारगेट्स के लिए। तो अभी फिलहाल मेरे हिसाब से तो तेजी है, जो भी डिप आती है उस डिप में बाइंग करें, लेकिन स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें क्योंकि मार्केट है, अप एंड डाउन लगा रहेगा इसके अंदर और एक करेक्शन भी आ सकती है। तो अभी फिलहाल अगर इन स्तरों पर भी कोई बाय करता है तो उसमें स्टॉप लॉस 10,000 का जरूर मेंटेन करना है नवंबर वायदा में, और 6,000 का सीड में स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप इसके अंदर जो भी डिप आपको मिलती है उसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं। फर्दर टारगेट जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अभी एक लेवल है, उन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो काफी लंबी तेजी आती हुई देख सकते हैं जी। इसी रूप जी बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की तो देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल पैक आज एक सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे सरसों हो चाहे सोयाबीन हो, नरमी के साथ देखने को मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सरसों का स्टॉक कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइम मिले भी बंद हो चुकी हैं, तो सरसों की कीमतें अब क्यों कम हो रही है? देखिए सरकार काफ़ी सख्त हो चुकी है खाने के तेलों को लेकर, अभी सरकार ने सरसों के बाद खाने के तेल पर भी सरकार ने जो है वो स्टॉक लिमिट लगाई है, सरकार ने तिलहन पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है, 31 मार्च 2022 तक स्टॉक लिमिट के नियम लागू रहेंगे। और खाद्य मंत्रालय ने अभी पीछे फ्राइडे को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें जो स्टॉकिस्ट हैं यानी कि जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने ये स्टेप उठाया है, वहीं केंद्र ने भी स्टॉक की सीमा तय करने का काम राज्यों पर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी इन्वॉल्व होती हुई इनमें दिखाई दे रही है, मौजूदा स्टॉक के आधार पर और कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर आगे सीमा तय की जाएगी कि कौन कितना माल अपने पास स्टॉक कर सकता है। हालांकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को कुछ शर्तों पर छूट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का इंपैक्ट जो है वो खाद्य तेल के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब खाद्य तेलों में तेजी जो है वो खत्म हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई बाजारों में बहुत ज्यादा मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, जो प्रॉफिट आना था वो आ चुका, अब जो काम होगा वो जो है इतनी दायरे में आपको देखने को मिल सकता है। लंबी तेजी फिलहाल भूल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर कोई कमोडिटी उछलेगी तो वो है ग्वार, ग्वार के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, जैसा हमने पहले खाद्य तेलों में देखा था। मुझे लगता है कि सभी जो व्यापारी लोग हैं वो उसके अंदर एक्टिव हो चुके हैं, अब उसके अंदर कंपनियां जो है वो काफी एक्टिव हैं, अब उसको ऊपर ले जाने की कोशिश में है इंस्टेड ऑफ की एडिबल ऑयल पैक के अंदर, क्योंकि सरकार ने अपनी कमर कस ली है इसलिए प्राइसेस को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरीके के सरकार के द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं उसे दिखाई दे रहा है कि अब कीमतें जो है वो कंट्रोल में रहेंगी। तो खाद्य तेलों में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, त्योहारी सीजन की मांग के चलते छुटमुट खरीदारी आ सकती है, लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा भी फिलहाल ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं देंगे। सोयाबीन नीचे में 5,000 आ सकती है, नवंबर वायदा रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो वो 1,200 तक नीचे लुढ़क सकता है, वहीं सरसों की बात करें तो 8,000 से लेकर 7,500 के घरों में सरसों भी कारोबार करती हुई आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है जी। रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनके अंदर अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अभी जो हॉट पिक रहेगी वो ग्वार ही रहेगी, ग्वार के अंदर खरीदारी करें, ग्वार में मुनाफा देखने को अच्छा मिल सकता है। अगर स्लो स्टडी विंस द रेस चलना है तो मुझे लगता है कि आपको बिनोला खल और कैस्टर के अंदर बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए, आगे आने वाले दिनों में बिनोला खल और कैस्टर सीड में तेजी देखने को मिल सकती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया बिनोला खल, कैस्टर सीड और ग्वार के अंदर खरीदारी में रहा जा सकता है, ये तीनों कमिटीज़ ऐसी हैं जो आपको आगे भी मुनाफा कमवाती हुई नज़र आ सकती हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूँ ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स वीवर।